हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव हैंड्स। दोस्तों, आज हम प्रिंगल्स बॉक्स से एक फ्लावर पॉट बनाएंगे। देखिए, ये एक यूज्ड प्रिंगल बॉक्स है जिसके ऊपर मैंने पुट्टी का डो लगाकर चिपका लिया है। अब हम इस पर डिटेलिंग करेंगे। देखिए, ये एक्सपायर्ड ब्रेड है, जो ब्रेड बच जाती है हमारे घरों में, ये वही है। इसके हम एजिस निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। आप सीजर वगैरह से कर सकते हैं, मैं हाथ से कर रही हूँ। देखिए, अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसमें एक टेबल स्पून फेविकोल मिलाएंगे। और एक चम्मच हम इसमें डिश वॉश मिलाएंगे। विम, प्रिल, आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। ये दोनों चीज़ें मिलाने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसका एक आटा गूंथ लेंगे। देखिए, ये ऑलमोस्ट तैयार है, गूंथ चुका है ये। अब हम पॉट पर डिटेलिंग करेंगे। देखिए, आप फेविकॉल की हेल्प से इस डो को इसके ऊपर स्टिक कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं जहाँ जहाँ मुझे अपना क्ले वर्क करना है वहाँ वहाँ पे मैं फेविकॉल लगा लूँगी इस तरीके से। अब मैं रोज़ बनाऊँगी। देखिए, उसके लिए छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिए आप इस तरीके से, और उसको फ्लैट कर दीजिए इस तरीके से। आपको छः सात इस तरीके से बना लेनी है। फ्लैट कर दीजिए, किनारे इसके फ्लैट होने चाहिए, तभी अच्छा शेप आएगा। देखिए, इस तरीके से एक के ऊपर एक रख कर एक के ऊपर एक रखना है इस तरीके से। और फिर स्टार्ट पॉइंट से हमें इसको रोल करना है। देखिए, इस तरीके से रोल करते हुए जाना है। देखिए, कितना ब्यूटीफुल रोज फ्लावर तैयार हुआ है। देखिए, अब आप इसको काम कर सकते हैं, आप इसको बीच में से कट कर दीजिए और आपके दो रोज फ्लावर तैयार हो जाएंगे। और अब हम इसे पॉट पर स्टिक कर देंगे फेविकॉल से। देखिए, ये हो गया। अब हम इसकी स्टेम बनाएंगे। तो स्टेम के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको इस तरीके से पतला पतला रोल कर लेना है और इसको चिपका देना है इस तरीके से। अब हम इसकी लीव्स बनाएंगे। तो देखिए, लीव्स बनाने के लिए अब हम लीव्स बनाएंगे। तो लीव्स बनाने के लिए फिर से बॉल बना लीजिए, फ्लैट कर लीजिए उसको, थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए और फिर आगे से इसको थोड़ा सा शार्प करते हुए लीफ का शेप बना लीजिए। और इस पर आप डिटेलिंग कर सकते हैं कटर से, चाकू से, किसी भी चीज़ से जो आपके पास अवेलेबल हो, उससे इसकी उस डिज़ाइन दे दीजिए लीफ की। और ये हमारी लीफ बन गई। इस तरीके से हम काफ़ी सारे लीव्स बना लेंगे और उसको फेविकॉल से स्टिक कर लेंगे। देखिए, ये मैंने बना ली है। इस तरीके से मैं काफ़ी सारी बना लूँगी। अब हम इस पर कलर करेंगे। मैंने यहाँ पे गोल्डन येलो कलर का यूज़ किया है बेस कलर के लिए। मैं गोल्डन येलो कलर कर लूँगी पूरे पे अच्छे तरीके से। देखिए, मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। अब मैं रोज़ को कलर करूँगी, तो उसके लिए मैंने रेड कलर लिया है। रेड कलर से फ्लावर को कलर करेंगे। ये देखिए, सारे रोज़ हो चुके हैं मेरे कलर्स। अब मैं इसकी लीव्स को कलर करूँगी, तो उसके लिए देखिए मैंने ग्रीन कलर लिया है।
ग्रीन कलर से लीव्स को कलर कर देंगे। इस तरीके से सारे लीव्स को हम कलर कर लेंगे। देखिए हमारा फ्लावर पॉट बनकर तैयार है। You can learn to discover a million stars.